तनखा उठा के तू देना है करेगा हम दे देते हैं ए तनखा वा उठा के हमरा के दे दे चल यहां का नंबर दी हां अकाउंट नंबर दे हां चीन ले लो आ ये लिया के चीन ला हां खूब चीन जा तू ठीक बाड़ा और का चीन बन गयो अरे पता नहीं मैं बस पैसे दे 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 सही फाड़ दे अभी आता है 100 रुपए के नोट फाड़ दे जाता नहीं बाबा चल चल पे झुमका झुमका सो गाइज हुआ क्या ना, मैं एक सूट लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था उधर से तो पापा जी नहीं आएंगे और मुझे मेरे गांव से आना है, तो चेंज करके पहन लूँगी क्योंकि साड़ी में इतना लंबा ट्रैवल 13-14 घंटे तो नहीं हो पाता है क्योंकि बेबी फिट भी कराना होता है। लेकिन वो सूट ही नहीं मिल रहा था, मैंने इतना कोशिश किया फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर विक्की ने आइडिया दिया कि तू मेरा लोअर टी शर्ट पहन ले, तो मैंने बोला हाँ ये सही है क्योंकि वहाँ रात में पहुँचेंगे आधी रात को तो कोई वैसे देखेगा नहीं, तो फिर मैंने चेंज करके लोअर टी शर्ट पहन लिया और यहाँ पर फिर खोइछा लिया और खोइछा लेके निकल गए। ये है गांव का लास्ट ब्लॉग और अब तो पता नहीं कभी जाना होगा गांव। ये तो तुक्का था जो लग गया बट अब देखो क्या होता है कैसे होता है, पर बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला दिल को। पकड़े है
छोड़ गए हम अपनी वो गलिया और निकल गए अपनी असली गली की तरफ। मेरे को कितना टैनिंग हो गया, सबको हो गया। मेरी देखो ना स्किन कितनी जली हुई है। और मैंने लोअर टी शर्ट विक्की का पहन लिया। मैं सूट लेके आई थी क्योंकि साड़ी पहन के तो बच्चा लेके क्योंकि फीट भी कराना होता है तो इतना मुश्किल है, नहीं ट्रेवल कर सकते हैं इंसान। तो मैंने सूट लेके आई हुई थी, पता नहीं वो सूट कहाँ रखा गया, मिल ही नहीं रहा। इतना ढूंढा मैंने, लास्ट मोमेंट में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने चलो यही पहन लो क्योंकि इस टाइम निकले हैं तो ऐसा कोई हाथ में है नहीं, और जब रात को वहाँ पहुँचेंगे तो एकदम रात हो गई होगी, है ना, आधी रात को, तो कोई वैसे वहाँ नहीं होगा। चुन्नी सर पर डालेंगे और उतर जाएंगे। चुन्नी भी नहीं मिलेगी, साड़ी ही सर पर डालनी पड़ेगी चुन्नी बना के, क्योंकि वो एक ही साथ मैंने रखा था कि पहनूंगी और वो गायब ही है, तीनों मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। अब 12 से 13 घंटे हमें लगेंगे और पहुँचने में दिल्ली। देखते हैं क्या क्या होता है पूरे रास्ते, सारी चीज़ें आप सभी के साथ ब्लॉग में शेयर करते रहेंगे। सो गाइस, हमने गोरखपुर क्रॉस कर लिया है और मैंने मस्त वाली नींद मारी है एक दो घंटे की। फ्रेशनेस ही पता चला, एकदम भंडो के सोइए, वो पता चल रहा था कुछ रास्ते में और यहाँ पीछे मैं भी आराम से सुकून मिल रहा है ना। गाड़ी का इतना मस्त फायदा उठाया हमने पिछले एक साल में, तो क्या बाय रोड आ गए अकेले मस्त एकदम। कानपुर गए पहले अपना, फिर गांव बिहार आ गए, वैसे एक दिन बॉम्बे में चले जाएंगे बाय रोड। बॉम्बे तो दिल्ली से डायरेक्ट बना हुआ एक्सप्रेस वे, वहाँ तो जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा एक्सप्रेस। ऑटो पायलट की गाड़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सनासन चलेंगे। तो ऑटो पायलट में मेरी मैम थी। सो गाइस, अभी और नहीं था लेकिन अब सो मेरी रात हो गई है, अब मैं इन लोगों से बातें होते करूंगी। सुबह 6 बजे तक दिखा रहा है कि हम दिल्ली पहुंचे, थोड़ी दूर जाके एकदम से रात को ड्राइव करने में थोड़ा वो लगता है। हाँ, तो हम सॉफ्टवेयर में गाय और वो सब थोड़ी है रोड पे, मैं ये कह रही हूँ वो देख लेना, वो लखनऊ में जहाँ से हमने पावर बैंक लिया था ना, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे यार नुकसान हो गया, तो 1500 का नुकसान से कई दस। एमआई का ले रही थी, ये पावर बैंक किसी और ब्रांड का नहीं आता बढ़िया, आता तो उसका लेना चाहिए, फिलिप्स का आता, तो फिलिप्स का लो बढ़िया। पता नहीं एमआई एमआई लिवाजी में जो उसको पहले दिखाया वही उठा के चल दिया, दो ले लिए एमआई एक के ना, तो कोई वो एमआई वाला पता है आपको क्या बता भाई, बता नहीं क्या होगा, तो चलते आ जाए। सो गाइस, लखनऊ पहुंच गए आप लोग, लखनऊ पहुंच गए हैं। देन वी रंग तेरा देख के रूप तेरा, रात के बज गए हैं 12। निकी को बिल्कुल नहीं पता चला है, नहीं नहीं निकी को बिल्कुल पता चला है कि रोड ट्रैवल किसे कहते हैं। सो गाइज, ये रात के 2 बज रहे हैं, जब ये ड्राइव कर रहा था भाई मेरा, ये थोड़ी देर के लिए पीछे गए थे। और इतना रिस्की है ना रात को ड्राइव करना कि मैं क्या बताऊँ, हम लोग की आँख ही नहीं खुल रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब एकदम भगवान का नाम लेके ड्राइविंग हो रही थी, नींद से आँख ही नहीं खुल रही थी।
कुछ पहुंच गए हम अपने घर। रात को ड्राइव करना बहुत मुश्किल है बाप रे। कल दिन में भी नहीं मिला सोने को रात। हम इतना डर लग रहा था, आंख एकदम झट देने झपक जा रही थी, है ना, इतना वो लग रहा था। लेकिन फिर भी हम कहीं नहीं रुके हैं, कोई ढाबा कहीं कुछ भी नहीं। एक बार चले हुए डायरेक्ट आके दिल्ली रुके हैं। एक बार उतरे थे कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन फिर नहीं आए, नहीं रुके। सो गाइस, हम घर आ गए और घर आके चेंज कर लिया। और मेरे प्यारे देवर जी, हमारे प्यारे इतना प्यार के होकर सवेरे सवेरे उठ के गेट खोलनी है, अब चाय बनातनी। भैया के लिए रहा, मैं नहीं आई हूँ, मैं झरने से नहीं आई हूँ, कोई इज्जत ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतनी नींद खराब की। चलो जी, चाय पीते हैं और सोते हैं। अभी विकास सर आपके लिए चाय बना रहे हैं, मेरे लिए नहीं बना रहे। क्या बोलो? एक चीज दिखाओ। कहाँ गए भैया? विकास को अवार्ड मिला। और सुनो मेरी बात, अरे विकास मेरा कुछ देखे, विकास मेरा यूट्यूब पे कुछ देखे, मेरा यूट्यूब का कुछ देखे नहीं देखे? वो ब्लूटूथ मिला है। तो अब मत मेरे को मैसेज, तो वो आ गया था, अब जिस दिन गए थे उसी दिन आ गया था। हाँ तो आया था, तो क्या मैसेज नहीं करते हैं? दिखाओ गाइस को, दिखाओ गाइस, गाइस को दिखाओ गाइस, विकास की ऑफिस से बेस्ट परफॉर्मेंस का एक महीने वाला मिला है। एग्जांपलरी परफॉर्मेंस हो गया इसको, मेरी तरह बन रहे हैं। मेरे को भी तो मिला था कुछ, सुनो तब तो आप ड्राइव कर रहे थे, मुझे तो कुछ बोला भी नहीं था। वो ब्लू टिक वाला, ब्लू टिक वाला तो पहले भी था यार। नहीं था, इनको समझ ही नहीं आ रहा है विकास भैया को, नहीं समझ आया था वो ब्लू टिक वाला सीन। बज रहे हैं 11:30 और हम लोग 7:30 तक घर पहुंच गए थे, उसके बाद सो गए थे, जिस टूटे हैं। अब पेट में लगी है बहुत तेज वाली भूख, लेकिन कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। पूरी बॉडी अभी बहुत थकी है, कुछ टाइम लगेगा नॉर्मल होने में। सो हमने सोचा है चाय बना लेते हैं, ब्रेड सेक लेंगे और कहीं खा लेंगे, बाद में देखूँगी। नहा धोवा के कुछ बनाने का मन करेगा तो बनाऊँगी। विकास भी बेचारे ऑफिस नहीं जा पाए, पता नहीं छुट्टी थी कि नाश्ता की वजह से नहीं गए। चलो देखते हैं, वो भी ऐसे बैठे हुए थे। मैंने सोचा हमें तो मतलब इतनी भूख नहीं थी, लेकिन ऐसे बैठे हुए थे तो ऐसे बना लेते हैं। तो हम चलो बनाते हैं चाय और ब्रेड सेक के वही खा लेंगे। फिर जाएंगे गाड़ी से चलेंगे, चल अभी चल। रात को जीजू ने मुझे आगे, गाइस अब मैं जा रही हूँ नहाने। हमने बाहर से दोपहर का खाना तो हो गया, खाना बनाया नहीं था, बाहर से बिरयानी ऑर्डर की थी, वेज बिरयानी। सो वही हम सब ने खाया, विकास मैंने भाई शाम को जाएगा, बिकॉज रात भर ड्राइव किया है ना इन लोगों ने, इतनी सबकी बैंड बजी पड़ी है। ऊपर से पति देव का ऑफिस का मीटिंग था जिसके लिए हम भाग भाग के आ जाए हैं, तो उनका वो चल रहा है। खाना खा लिया, अभी किचन दिखाते हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है सारा किचन। जा रही हूँ थोड़ा सा साफ़ करूँगी और उसके बाद बिल्कुल मतलब आज से ऐसा लग रहा है कि कुछ भी काम ना करूँ। अभी धनवा धनवी कितनी लड़ाई हुई दोनों को, मतलब धनवी को मैंने फिर 2 थप्पड़ लगाया और सब जाके सो गई रोते रोते। बच्चे सही में इतने बदमाश होते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। बाबू पिचकारी लेके आए हुए थे, वो छठी वाली पिचकारी, सो धनवी ने वो देख लिया, अब इसको वही चाहिए होता है। आपके घर के भी बच्चे ऐसे करते होंगे, अब इसको वही चाहिए, बाबू को
वो देना नहीं है। इस दोनों बात पे इन दोनों की लड़ाई हो गई, खूब जम के लड़ाई हो गई। फिर धनवी का विक्की लेके गया मार्केट, उसके लिए पिचकारी खरीद के लेके आया। फिर दोनों की पिचकारी हो गई, तो उसमें क्या हुआ कि जो बबनी का भी पिचकारी वो खरीद के लेके आया वो थोड़ी बड़ी हो गई और बाबू वाली थोड़ी सी छोटी थी, तो इस बात पे फिर लड़ाई हो गई कि ये मैं लूँगी ये मैं लूँगा, ऐसे लड़ाई हो गई। फिर वो सुलटाया गया, फिर वो जब सुलटाया गया पूछो मत, हम भी ऐसे ही करते होंगे बचपन में और अभी हम इरीटेशन होती है, ऐसे ही हमारे मम्मी पापा भी इरीटेट होते होंगे। और फिर क्या हुआ कि पिचकारी की जब लड़ाई सुलझी तो इन दोनों ने कह के एक दूसरे के कपड़े भिगो दिए पिचकारी में पानी भर के मार मार के, तो वो चेंज कर किया। इतने में फिर बाबू वो बलून लेके आ गया, जो छोटे छोटे बलून होते हैं जिसमें पानी भर के फेंकते हैं वो लेके आ गया। धनवी ने वो देख लिया, धनवी बहुत समझदार हो गई है, हम सोच रहे कि अब उसको किसी बात से टाल दो, उसको नहीं समझ में, वो मतलब नहीं सुनती है, तो वो देख लिया इसने। फिर अब उस दोनों के लिए लड़ाई हो गई और बाबू एक ही लेके आए थे। फिर अब मैंने विक्की ने बोला अब क्या करूँ, फिर से मार्केट जाऊँ, मैंने बोला नहीं छोड़ दे। फिर मैंने बाबू को बोला बाबू जाओ एक और लेके आओ, तो बाबू गए एक और बैलून लेके आए, तो दो बैलून, तो जो बाबू वाला फूला था वो छोटा सा फूला था, इसका वाला ज़्यादा पानी में फूल गया, तो बाबू ने क्या किया बड़ा वाला बैलून लेके भाग गए और छोटा वाला इसको नहीं चाहिए था, इसको भी बड़ा चाहिए था। फिर उसके लिए लड़ाई हो गई, फिर मैं बहुत इरीटेट हो गई, फिर मैंने इसको थप्पड़ ही थप्पड़ दिया, दो थप्पड़ दिया, दो दिया थप्पड़ और रोते रोते सो गए। जब लिमिट बच्चे क्रॉस कर देते हैं ना तो उनको डांटना मारना भी ज़रूरी होता है, हर जिद नहीं पूरी कर सकते। लास्ट मेरे किसी ब्लॉग में ना जब धनवी गुड़िया के लिए हम लोग गए थे तो रो रही थी, तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप कैसी माँ है, आपका बच्चा इतना रो रहा है एक डॉल के लिए, आप वो एक डॉल नहीं खरीद सकती है, क्या करेंगे इतने पैसों का जब बच्चों का ज़िद नहीं पूरा कर सकते। तो मैं सिर्फ ये चीज़ बोलूँगी, बच्चे की ज़िद पूरी करनी चाहिए पर हर ज़िद नहीं पूरी करनी चाहिए, वरना फिर बच्चे ना उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं और फिर उनकी ज़िद बढ़ती जाती है तो इसलिए जो आपको लगे कि हाँ डॉल धनी के पास इतने सारे हैं और वो बेकार की जिद थी, रोड पे से उसको दिख गया वो चाहिए, अगर नहीं होता तो मैं ज़रूर दिलाती और वो रो रही है और मैं उसको वो चीज़ आके दिला दूंगी, तो फिर वो उसकी जिद ना बढ़ती जाएगी, फिर उसको लगेगा कि अच्छा मैं रो दूंगी तो मुझे हर चीज़ मिल जाएगी। सो बस इस रीज़न की वजह से उसको नहीं दिलाया था और इसी रीज़न की वजह से आज मैंने धनवी को डांट के पीट के सुलाया कि आपकी मैं हर जिद नहीं पूरी कर सकती हूँ, हर जिद पूरी करने से बच्चे आपके बिगड़ जाते हैं, फिर उनको लगने लगता है कि हमारे हर जिद पूरी हो रही है। चलिए बहुत बातें हो, चलते हैं किचन में जल्दी से काम मुरिया लेते हैं। आगे कंटिन्यू करना, बट उससे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इस टी शर्ट के बारे में मैंने कहाँ से लिया है, इस हैंडबैग के बारे में मैंने कहाँ से लिया है, एंड मैंने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं नए नए, थोड़े से चेंज किए हैं, पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो चेंज किए, गाँव जाने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं गाँव वाले ही ब्लॉग में इसको एंड करते हैं आपको दिखा के, और जिसमें मतलब जा रही थी इधर से उधर रखने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं ना ज़्यादातर जो शॉपिंग है वो अमेज़न से ही करती हूँ, बिकॉज मुझे अमेज़न के जो प्राइस है वो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी चल रहा है अमेज़न पे सेल, जो कि मेगा फैशन डे सेल है अमेज़न पे जो चल रहा है, जो कि 10 से लेके सिर्फ और सिर्फ 14 तक ही अवेलेबल है, जो कि आज तक ही है। सो इस सेल को आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, आप भी जाइए जल्दी से वो प्रोडक्ट्स इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो बाय कर सकते हो। सो ये गाइज मैंने ये जो टी शर्ट पहनी हुई है ये लॉन्ग टी शर्ट है, मैंने मेरे शॉर्ट्स वगैरह में देखा है आपने, अभी मैं दिखा भी दूंगी साइड में, तो ये मैंने अमेज़न से लिया है, बहुत ही प्यारा है घर में पहनने के लिए, एकदम लूज कम्फर्टेबल और आराम, मतलब इतना गर्मियों के लिए इतना बेस्ट है, शॉर्ट भी नहीं है लॉन्ग भी है,
है, थोड़ा सा बेकार भी नहीं लगता और अच्छा भी लगता है। सो इस टी शर्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। नेक्स्ट मैंने मम्मी के लिए मंगाया था ये बैग, जो कि मैंने अमेजोन से लिया है, जो ब्रांड का है ये, बहुत ही प्यारा है। मतलब थोड़ा सा ये कॉस्टली है, 1800 का है ये या 1600 समथिंग इसी प्राइस में है, बट लेने के बाद ना बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये मैंने मम्मी के लिए मैंने एक बार पहले भी मंगाया था तो वो कहीं छूट गया था, तो मम्मी कब से कह रहे थे कि वो बैग बहुत अच्छा था तो मैंने फिर उनके लिए मंगाया था। बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत सारा स्पेस है, आराम से आप बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो। मम्मी इस तरीके का बैग यूज़ करती है बाहर जाने के लिए, क्योंकि उनको मेडिसिन पानी ये सब साथ में लेके जाना पड़ता है, तो ये बेस्ट है। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो तो आप ये मंगा सकते हो, आपके लिए भी ये बेस्ट रहेगा। देन उसके बाद मैंने लिया है ये टोनर, तो ये है डर्मा का ये टोनर, जो कि मैंने नया लिया है और अमेजोन से लिया है। ये मुझे मतलब अच्छा लगा, इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करते हैं। इसका रिव्यू मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत सही लगा था इसका रिव्यू, तो मैंने ये टोनर लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आजकल यूज़ कर रही हूँ। बाकी रिजल्ट कैसा रहता है वो तो आपको आगे न्यू ब्लॉग्स में पता चल, अपडेट में नहीं दूंगी। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये लॉरियल पेरिस का ये हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम। ये सीरम का रिव्यू मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था, सब लोग कह रहे थे बहुत ही अच्छा है, तो इसके मैंने भी छोटी सी जो छोटा पैक है वो मंगाया है। इस सीरम को मैं यूज़ करके देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है, और मुझे फ़िलहाल तो 1 से 2 वीक्स हो गए हैं कंटिन्यू ये चीज़ें यूज़ करते हुए, तो मुझे अभी तक का रिज़ल्ट इसका अच्छा लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। सनस्क्रीन मैंने इस बार चेंज किया है, तो ये एक्वालॉजी का ग्लो सनस्क्रीन है, पपाया एंड विटामिन सी है, तो ये सनस्क्रीन मैंने सोचा है कि ट्राई करते हैं। तो इसका भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, तो ये इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन सब के मैंने यूट्यूब पर रिव्यू देखे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी शेयर किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार हम ट्राई करते हैं, और 1 से 2 वीक्स तो मुझे हो ही गया, तो मुझे रिजल्ट अच्छा रहा है इसका। फिर मैंने मंगाया था ये बेस, ये रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर है, हाइलाइटर एंड प्राइमर है। ये प्राइमर मतलब इतना अच्छा है ना कि मेकअप करने से पहले आपका फेस ना सिर्फ प्राइमर ही आप ये वाला लगाओगे तो चमक जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। मतलब मैंने ये गाँव में जो भी आपने मेरे मेकअप वगैरह देखा है ना, तो मैंने ये सबसे पहला ये प्राइमर लगाया है, उसके बाद ही अच्छा सा आप देख सकते हो, है ना, चमक चमक सा रहा है ना। देन मैंने मंगाया है फिटमी का ये 128 फाउंडेशन, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो फिटमी का ये फाउंडेशन मैंने लिया था। उसके बाद मैंने अपने 2 मेबलिन के लिपस्टिक लगाए, इसकी मतलब ये जो लिपस्टिक्स है ना मुझे बहुत सही लगते हैं। एक मैंने लिया है न्यूड शेड में, ये वाला शेड लिया है एक मैंने, और एक मैंने लिया है ये वाला शेड, ये 2 शेड लिए हैं मैंने, एक रेड लिया है, ये 2 शेड लिए, एक रेड लिया है और एक लिया है मैंने, एक लिया है 690 सेरेन सीक्रेट कुछ करके है, और एक जो है वो 657, 2 शेड हैं। और मैंने क्या लिया है, और मैंने लिया है ये छोटू सा ब्लेंड करने के लिए ये स्पॉन्ज, और एक मैंने लिया है ये ब्रश, ये तो मेरे पास पहले से ही था, आप लोगों को पता ही है, ये वाला ब्रश मैंने लिया है अमेजोन से। सो यही सारी चीज़ें, एक मैंने ये आई शेडो पैलेट लिया है, मेरे पास इस तरह के ग्लिटर वाले आई शेडो पैलेट नहीं थे तो मैंने एक ये ले लिया है। सो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस बार अमेजोन से लिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। एंड ये जो मेगा सेल चल रही है इसको बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, पति देव कर रहे हैं यहाँ साफ सफाई, मैं नहाने के इतना देखा तो ये लग गए। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हम लोग ट्रेन से जाना था, या मतलब गांव जाने के चक्कर में इतना कुछ फैल गया था ना, लबर दबर मम्मी का इधर पूरा सूटकेस वगैरह, मेरा पूरा रूम मैं आपको दिखाती हूँ, सारी चीज़ें इतनी फैली हुई थी, सोचा था कि आज आराम करेंगे फिर कल बोलेंगे, लेकिन क्या ही आराम करना। ये देखो मेरा रूम, ये कहाँ से आराम मिलेगा, सारा साफ करना है, सब कुछ इतना फैला हुआ है, सब फैला हुआ है, ये सब साफ करती हूँ। फिर किचन में इतना पड़ा हुआ है, बर्तन वर्तन सब धोना है, हमारी मेड तो हमने रखवा ली है, इतने बर्तन रखे हैं, थोड़े से कल रात के थे, अभी अब दिन के, अभी सुबह से लेकर अभी तक इकट्ठे हो गए हैं, सुबह से एक बार भी बर्तन नहीं धुला है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो बस जा रही हूँ बर्तन वर्तन धोने, और फिर थोड़ा ये सब चद्दर वद्दर सब चेंज कर दूँ, कल होली है तो कोई ना कोई आएगा ही घर पर, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज फाइनली घर पहुँच के, और वही अपने रोज़मर्रा वाले जो काम होते हैं उस पर लग गए, हाउस वाइफ की सिर्फ इतनी छुट्टी होती है, उसके बाद जैसे वो घर पहुँचती है ना उनको इतने काम दिखने लग जाते हैं कि ये काम है वो काम है, ये सारे कपड़े गाँव जिनसे पहले मैंने धोए थे
जो है मेरे वो सारे ऐसे ही रखे हुए हैं। सो उन्हीं को बैठ के फिर मैंने प्रेस वाले अलग छाटे, तय लगाए। मेरे और मम्मी के बहुत सारे कपड़े हैं तो कुछ ऐसे धोए हुए थे तो साइड में थोड़े से छत पे मतलब छोड़ दिए थे थोड़े इधर उधर, तो ये सारे ऐसे पड़े हुए हैं। अब बैठ के इनको तय लगाएंगे। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। अब हो गया गाँव का ब्लॉग यहीं पर समाप्त। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यू ब्लॉग्स, दिल्ली वाले ब्लॉग्स, तो आप लोग वो इन्जॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए।